आप सभी भक्तजनों को भाई दूज की खूब सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे भाई दूज का पावन पर्व 14 तारीख को मनाएं या 15 तारीख को, साथ ही भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या हो रहा है और कुछ सरल से कार्य जो इस दिन आपके भाई के भाग्य को प्रबल करेंगे नौकरी प्राप्त करवाने में और उसकी लंबी उम्र के लिए। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। जैसे कि इस भाई बहने के पावन पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन यमराज जी, जो कि धर्म के और मृत्यु के देवता जाने जाते हैं, वह अपनी बहन यमुना के घर भोजन ग्रहण करने जाते हैं और साथ के साथ अपनी बहन से तिलक लगवाते हैं। गुरु जी कहते हैं जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है, मात्र एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, तो उसके जीवन में रोग किसी भी तरह के साढ़े साथी उसे परेशान नहीं करती और रोग कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अब इस वर्ष 2023 में बहुत दुविधा का विषय बना हुआ है कि शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही पूजा हमें किस दिन करनी चाहिए। तो भाई दूज जो है वह विशेष तौर पर द्वितीय तिथि के आधार पर मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है 14 नवंबर को 2:36 से शुरू हो जा रही है और 15 नवंबर 2023 को दोपहर में 1:47 तक समाप्त हो रही है। इस साल 14 और 15 दोनों नवंबर के दिन दोनों ही दिन भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। भाई दूज का पावन पर्व बेला का दिन जो है विशेष तौर पर शुभ संयोग में हो रहा है। आप सभी अगर 14 तारीख को मनाना चाहते हैं तो दोपहर के बाद से भाइयों को तिलक लगा सकते हैं। कितने बजे से? 14 तारीख को 2:36 के बाद जो है आप सभी मंगलवार के दिन तिलक करें, शुभ होगा। अगर आप सभी विशेष तौर पर 14 तारीख के दिन कुछ कारण रह गया हो तो करें 2 बजे बाद, परंतु 15 तारीख को उदिया तिथि के अनुसार ज़्यादा मनाना शुभ हो रहा है। 14 तारीख को भी कर सकते हैं, 2:36 के बाद सुबह सुबह कोई नियम नहीं है, द्वितीया तिथि है ही नहीं, तो 14 तारीख को आप 2 बजे बाद करें ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उदिया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में त्यौहार मनाए जाते हैं तो 15 तारीख को करें अत्यधिक शुभ होगा, ठीक है। 15 तारीख को 1:47 तक यह पावन पर्व मनाना शुभ रहेगा, ठीक है। आप सभी चीज़ें स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अब हम जान लेते हैं शुभ समय क्या रहेगा भाई को तिलक करने का। पंचांग में पूर्ण रूप से लिखित है कि 14 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर 3:20 तक भाई को पूर्ण रूप से तिलक कर सकते हैं। यह शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय हो रहा है। इस समय राहुकाल इत्यादि भी नहीं है, तो इन चीज़ों में ही जो है जो नियम कहे गए हैं उस अनुसार इस शुभ समय में पूजन करें। वहीं अगर 15 नवंबर को अगर अपने भाई को तिलक लगा रहे हैं तो 10:45 से 12:05 तक अपने भाई को तिलक लगाएं, यह सर्वश्रेष्ठ और शुभ समय हो रहा है। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आपको कैसे पूजा करनी है और उपाय क्या है तो ध्यान से सुनिए। भाई दूज पर तिलक लगाने की विधि इस तरह से होती है, साफ स्वच्छ सुबह लाल पीले रंग के कपड़े पहने धारण करें, भाई को अपने घर पर बुलाएं, निमंत्रण भिजवाएं, आमंत्रित करें, फोन कर कहें कि भाई आज मेरे घर आना और जो है मैं आपके लिए भोजन बनाए रहूँगी, संभव हो तो परिवार सहित बुलाएं, शुभ रहेगा। भाई दूर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी भाई को आमंत्रित करें। इस दिन सबसे पहले आप जिसे भी इष्ट के रूप में मानती हैं, आप कान्हा जी को मानती हैं, महादेव को अपने सर्वे सर्वा के रूप में मानती हैं, तो सबसे पहले महादेव या श्री गणेश जी महाराज या हनुमान जी महाराज, मंगलवार का दिन है, बुधवार का गणेश जी का दिन है, आप उन दिन के देवता को पूर्ण रूप से तिलक धारण करवाएं, उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधें और जो भी आपने अपने भाई के लिए बना रखा है सबसे पहले यह प्रार्थना करते हुए कि हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी, हे महादेव, आज भाई दूज के पावन पर्व पर आपको भाई मानकर यह भोजन ग्रहण करवा रही हूँ, इस भोजन को आप ग्रहण करें, परिपूर्ण करें और मेरे जीवन की सारी दुख तकलीफ दूर करें और मेरे भाई के रूप में आप सदा सर्वदा मेरे परिवार के आसपास रहें और मेरे भाई की भी लंबी उम्र करें। ऐसा कहते हुए सबसे पहले भगवान जी को जो आपने बना रखा है उसका भोग लगाएं, ठीक है। बहुत शुभ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा और इससे आपके परिवार की सदा सर्वदा भाई के स्वरूप में प्रभु कृपा करेंगे, दुख दरिद्रता का भी नाश करेंगे। साथ के साथ आप सभी को अब अपने भाई अगर घर पर आमंत्रित किए हैं तो भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और थाली सजा लें। थाली में आवश्यक रूप से रोली, चंदन और पूर्ण रूप से अक्षत रखें। अक्षत खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। कुछ मिष्ठान इत्यादि जरूर से रखें। अब अपने भाई को किसी भी आसन या पाटी में विराजमान करें। आप भी भाई सर पर
रुमाल या टोपी जरूर से पहने ऐसी मान्यता है, तभी जो है कोई भी पूजा शुभ मानी जाती है। अब आप सभी को अपने भाई का तिलक करना है। तिलक आप अपने मुख से कोई भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए या प्रभु का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या तिलक लगाने का सरल सा मंत्र आता है तो वह भी जरूर से बोले। उससे जो है आप सभी सबसे पहले भाई को रोली चंदन मोली और अक्षत जो है परिपूर्ण रूप में लगाएं, ठीक है। टूटे फूटे ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने भाई के मस्तक पर अक्षत धारण करवाएं। तत्पश्चात भाई छोटा है तो वह आपको प्रणाम करें, नहीं तो भाई को आप प्रणाम करें। उसके हाथ में, भाई के हाथ में हमेशा बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इस बात का ध्यान रखते हुए भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे और जो है भाई का मुंह मीठा करवाएं। मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास है वह भाई को खिलाए। तत्पश्चात आप सभी, अगर आपका भाई है तो वह प्रणाम करे, कुछ साड़ी कपड़े लाए हैं या पैसे लाए हैं तो वह आपको उपहार स्वरूप दे। फिर सुंदर भाव से अपने भाई को सात्विक भोजन कराएं। बहुत शुभ अवस्था में परिवार सहित भोजन कराएं, यह भी सुप्ता के रूप में माना जाता है। तो इस दिन आपको सरलतम तरीके से इस तरह से पूजन करना है। भाई दूज का पावन पर्व सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन यमराज जी भी स्वयं अपनी बहन जमुना के पास जाते हैं। कहा जाता है इस दिन भी अगर आप यम देवता के निमित्त दीपदान करते हैं तो यम द्वितीया के रूप में कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह आपको पूजा करनी है। महादेव के निमित्त कार्तिक माह का पावन दिन है, दीपदान करें। माँ तुलसी में दीपक लगाएं, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में दीपदान लग करें, बहुत सुप्ता के रूप में जाना जाएगा। पंचदिवसीय पावन त्यौहार का यह अंतिम दिन है जिस दिन आप सभी को विधि विधान से सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। परिवार में सुख समृद्धि प्रतिष्ठा धन संपदा में वृद्धि हो यह कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से प्रभु से प्रार्थना करनी है। जीवन में समृद्धि आए यह भी कहना है और हर दुख दुविधा दूर हो यह भी आपको कहना है। आप सामान्य सरल तरीके से अपने भाई के स्वरूप में महादेव को मानती हैं या सभी देवी देवताओं को मानती हैं, उन्हें रक्षा सूत्र बांधें, उन्हें संपूर्ण रूप से भाई के स्वरूप में मन में ऐसी विचार लाएं, इस तरह से कामना हो कि आप अपने साक्षात भाई को यह चीज़ें जो है समर्पित कर रहे हैं, सुंदर परिपूर्ण रूप से उनका पूजन करें, शुभ माना जाएगा। पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, जितना संभव हो आप सभी गौ माता की सेवा करें, साथ के साथ दीप दान करें, अन्नदान जलदान वस्त्र दान करें, बहुत शुभ रहेगा यह कार्तिक माह के पावन दिन जो आपके जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करेंगे। कार्तिक माह का महत्व सुने और प्रभु भजन स्मरण में अपना ध्यान केंद्रित करें, भगवान खूब अधिक छत्र छाया आपके जीवन में करेंगे। जितना संभव हो कार्तिक माह के अब कुछ ही दिन शेष है, दीप दान करें और खूब अधिक प्रभु कृपा अपने जीवन में बरसे, यह प्रार्थना करते हुए सरल सरल से नियम को लेने का प्रयत्न करें। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ।